नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चितरंगी। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ जिसमें भाजपा की एक तरफा जीत हुई। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में होना है जिसमें प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश किया जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा जिला संगरौली के वरिष्ठ नेता रमापति जायसवाल ने आज चितरंगी विधानसभा में एक दिवसीय प्रवास पर रहे और युवाओं के साथ बैठक हुई। चितरंगी विधानसभा के युवाओं की मांग है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र सीधी से भाजपा प्रत्याशी ओबीसी का चेहरा हो, क्योंकि सीधी संसदीय क्षेत्र में कुल 52% ओबीसी मतदाता है और एक बार ओबीसी को अवसर मिलना चाहिए। रमापति जायसवाल एक कुशल, सर्वहारा, मिलनसार व्यक्तित्व हैं। युवाओं की मांग ओबीसी चेहरा को लेकर है। हमारे बीच में रमापति जायसवाल जी हैं जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज चितरंगी विधानसभा में आपका प्रवास हुआ है। आइए भाई साहब, आज युवाओं के साथ मुख्य बैठक का क्या उद्देश्य था? जी नमस्कार। देखिए, हमारे ये सब पुराने मित्र हैं जी। और अभी मध्य प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत के साथ माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व और उनके कार्ययोजनाओं के माध्यम से मोदी जी के मन में एमपी है, इस आधार पर लाडली बहनों के सहयोग से 163 सीटों के साथ हम सरकार बना रहे हैं। सरकार का गठन शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि चितरंगी पीछे मैं जब जिले का महामंत्री था इस नाते बड़े व्यापक पैमाने पर आना जाना होता था। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के कारण अपनी भी लोकेशनाएं होती हैं। मैं ये चाहता हूं कि माननीय रीति पाठक जी को विधानसभा सीधी से विधायक निर्वाचित होने का पार्टी ने अवसर प्रदान कर दिया है। सीधी लोकसभा में एक वैकेंसी है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी कार्यकर्ता को ही लोकसभा में अवसर देगी जी। तो मैं अपना नब्ज टटोलने की दृष्टि से जी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मित्रों से बातचीत करने की दृष्टि से अपने मित्रों को कहा था कि अपन चाय पर बैठना चाहते हैं। ये चितरंगी क्षेत्र के हमारे ये 25-30 नौजवान कार्यकर्ता मित्र, जो कोई किसी संगठन में काम करता है, कोई किसी संगठन में काम करता है, अभी इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सीधे लोगों से मैंने उनको इन्वॉल्व करने का अथवा उनको बात करने का काम नहीं किया हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी वो निर्णय हमको भी मानना है। तो मैंने ये देखा कि हमारे जो मित्र मंडली के लोग हैं उनसे बात कर लें, फिर पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या अमृत निकल के आता है, उस अमृत के अनुसार निर्णय करेंगे। मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीधी सिंगरौली और व्यवहारी लोकसभा से किसी ओबीसी के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए। उस ओबीसी के दायरे में मैं भी अपेक्षा रखता हूं। हमने 2009, 2014 और 2019 में हमारे समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर भाजपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया उसको अपना मान करके और प्रचंड मतों से चुनाव जिताए। हम उन सब लोगों का, उन सभी वर्गों का सहयोग ले करके और उनके साथ रह करके काम करना चाहते हैं। अवसर का विषय है, ये अवसर हमको मिलना चाहिए। उनको मिला था तो हम उनके साथ खड़े थे, अपने अवसर की तलाश हम कर रहे हैं, हमको मिलेगा तो हमारे साथ खड़ा रहेंगे। ऐसा अपन एक इस निमित्त मैं चितरंगी आया था, सब लोगों के साथ बैठ के बातचीत किए। मैं एक बात का आज के इस बैठक के बाद, चाहे उसको आप वाइट मान लीजिए या धन्यवाद का प्रेषण मान लीजिए, मीडिया के माध्यम से मुझे जो ज्ञात हुआ है कि लगभग मतदाताओं का जो पोलिंग हुआ उसका 54% ब्राह्मण समुदाय और 1% समुदाय का 47%, अनुसूचित जाति समुदाय के पोलिंग का 45%, अनुसूचित जनजाति परिवार का 46%, मुस्लिम परिवार का जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है 8% और 47% ओबीसी समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी की आबादी है, हमारे सीधी सिंगरौली में 45% से ज्यादा ओबीसी के मतदाता हैं। इस नाते हम अपेक्षा रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को टिकट दे, पर उससे पहले मैं अपने ओबीसी के उन तमाम मतदाताओं को, एसटी, एससी,
जनरल के उन तमाम मतदाता बंधुओं को, सुधी लोगों को, कृपालु नागरिकों को धन्यवाद आज ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मानस पर सरकार निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। निसंदेह निश्चित रूप से इस प्रदेश के अंदर भाजपा को मतदान करने वाले लोग सभी वंदनीय है, अभिनंदनीय है। सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता हूँ, ओबीसी वर्ग में पैदा हुआ हूँ, इस नाते विशेष रूप से ओबीसी को आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।